कासगंज में दो बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए अलीगढ़ रेफर किया। झांसी में महिलाओं की आपस में मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं एक महिला को पीटती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लेकर मऊरानी कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आजमगढ़ कंधरापुर थाना क्षेत्र पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास एक देशी तमंचा, दो खोखा, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल, बाइक और नकदी बरामद की गई है। कासगंज के पैसोई गांव में कोटा डीलर चुनाव के दौरान दो पक्षों के बीच पथराव हुआ। पुलिस की मौजूदगी में हुए संघर्ष में दो दर्जन लोग घायल हुए। भारी पुलिस और पीएसी बल तैनात किया गया और एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। घायल ग्रामीणों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस ने नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहाँ जब मतों की गणना हो रही थी, उस दौरान ही गाँव जहाँ पे काउंटिंग चयन प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ से पास में एक सड़क हुआ गाँव में, गाँव में दोनों पक्षों को छोटी सी बात को लेकर किसी का कार्ड वापस कर दिया है या आधार कार्ड फाड़ दिया, इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ और आपस में फिर वहाँ पर वो लोग एक पत्थर एक दूसरे पर चलाने लगे। फिर वहाँ पे मौके पे जो पुलिस बल मौजूद था उन्होंने फिर बलिया में जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुलपति को कौशल विकास पर ध्यान न देने के लिए खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बजट का सही उपयोग नहीं हो रहा है। समारोह में छात्रों की उदासी देखकर भी महामहिम नाराज दिखे और कहा कि उन्हें पुरस्कारों के बावजूद खुशी नहीं दिख रही। ये पहली बार था जब राज्यपाल ने मंच से इस तरह की नाराजगी जाहिर की। यूपी के कौशाम्बी जिले के मजनपुर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय नेवारी के हेड अध्यापक शैलेंद्र तिवारी ने बच्चे पर डंडा फेंक कर मार दिया। इस छात्र ने अपनी बाई आंख की रोशनी गंवा दी। दो बार ऑपरेशन के बाद जब चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए तो पीड़ित छात्र की मां ने न्याय की गुहार लगाई, CWC का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने आरोपी टीचर शैलेंद्र तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जी, मामला संज्ञान में है और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है इस संबंध में जाँच करने के लिए। जैसे ही जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है, तदनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के जमुना पार क्षेत्र मिर्जापुर हाईवे पर स्थित मेजर थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिकुरी गांव के पास डंपर की चपेट में आने से हुए छात्रा की मौत के बाद DCP यमुनानगर विवेक चंद यादव ने मामले के संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही। वहीं मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने की भी बात कही। फरुखाबाद के फतेहुल्लापुर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। इस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने दुकानों में आग लगा दी और अधिकारियों का विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप था कि उन्हें बिना नोटिस के मकान गिराने की सूचना नहीं दी गई, जबकि उनका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। प्रयागराज में जामिया हबीबिया मदरसे से जुड़े नकली नोट छापने के मामले में चार आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूरी कर दी गई है। सभी आरोपी नैनी जेल में बंद हैं और उन्हें आज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक पूछताछ के लिए पुलिस की कस्टडी में रखा जाएगा। इस मामले का खुलासा 28 अगस्त को हुआ था, जिसमें कार्यवाहक प्रिंसिपल सहित चार लोग गिरफ्तार हुए हैं। चंदौली के नौगढ़ पुलिस ने 85 किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद किया और दो तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि तीन मौके से फरार हो गए। तस्कर बिहार से सस्ते दाम पर गांजा खरीद कर हाथरस और आगरा में सप्लाई करते थे। बरामद गांजा की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। हरदोई में चोरों ने अंग्रेजी और देसी ठेका शराब की दुकानों में चोरी की। CCTV कैमरे DVR भी लिए गए। ये घटना बगौली थाना क्षेत्र के कस्बा और तेरवा रोड पे हुई। SP नीरज कुमार जदौन ने निरीक्षण के बाद हुई इस चोरी से इलाके में हड़कंप मच गया है। मिर्जापुर में पत्थर मारने से नाराज युवक ने 10 वर्षीय दलित बच्चे की जान ले ली और उसके बाद शव को जमीन में गाड़ दिया, जिसको पुलिस ने बरामद कर मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना के विरोध में दलित समाज के लोगों ने कछुआ में नारेबाजी करते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। कि ग्राम बजहा निवासी अंशु उर्फ गोलू उम्र 10 वर्ष, वो शाम से ही अपने घर पे नहीं लौटा है। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे तथा उसके खोजबीन के लिए तथा इस प्रकरण की जांच के लिए कई टीमों का गठन हुआ। जांच में ये पता चला कि जो मिसिंग बच्चा है उसका ही एक पड़ोसी हिमांशु उपाध्याय, जिसका मकान उस बच्चे के मकान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, उसने ही एक धारदार हथियार से
उस बच्चे पर वार किया। हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन में जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह अध्यक्षता में हुई बैठक में 2024 और 25 के लिए जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय के प्रबंधक समिति ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए। इसमें जिला अस्पताल को ध्वस्त कर नया बनाने, पार्किंग और हरियाली की व्यवस्था के साथ आकस्मिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए आवास की योजना शामिल है। हरिद्वार नगर निगम के कर्मचारियों के लिए नया कार्यालय जल्द तैयार होगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया और 9 करोड़ रुपए के बजट से बनाई जा रही 3 मंजिला बिल्डिंग में अधिकारी और मेयर के कार्यालय होंगे। जनता की सुविधा के लिए पहले तल पर सार्वजनिक डीलिंग का काम होगा और अगले साल तक इसका उद्घाटन भी किया जा सकता है। सरकार से बहुत पुरानी बिल्डिंग यहाँ नगर निगम की थी और हमारे कर्मचारी अधिकारियों की दक्षता बढ़े। हर चीज़ में आप देखते हैं कि एक सोच बनती है कि हम एक अच्छे वातावरण में काम करें। ऐसी स्थिति में यहाँ जो अपनी नगर निगम की लैंड थी उस पर 3 मंजिला भवन बनाने का काम आपके सामने यहाँ प्रारंभ हो रखा है और उसको मैं आज इसलिए देखने आया था कि कर क्या रहे हैं। तो इसमें जैसा मुझे जानकारी दी गई